changes. वेलकम टू भाई की बढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो. कर दिया, चल बढ़ाओ. और भाई लोग कैसे हो? एक साल बिता लिया सीनियर विंग में, मजा आ रहा है भाई? अब तो तुम सीनियर विंग के सेकंड लेवल पे आ गए. सही है भाई, यहाँ के रीति रिवाज भी पता चल गए होंगे, तुम्हें किसको कैसे बोलना है और कहाँ बोलना है और क्या बोलना है. तुम्हारी अपनी गैंग वैंग भी बन गई होगी, फ्रेंड्स हु स्टे टुगेदर पी टुगेदर. यार जिस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसको तुम सिक्स क्लास में अच्छी तरह से फोड़ के आ चुके हो. अब तो हम बस एक क्विक रिवीजन करेंगे. यारो आज के चैप्टर का नाम है इंटीजर. भाइयों इंटीजर अपना पीछा ऐसे नहीं छोड़ने वाला, पर तुम चिंता मत लो, ये पहले भी आसान था और आज भी आसान ही है. तो चलो स्टार्ट करते. सबसे पहले मार्केट में आती है नंबर लाइन, ये बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी है. यारो इस पर जंप जंप करके हमने बहुत सारी एडिशन सब्ट्रैक्शन की है सिक्स क्लास में, तो जो भूल गए हैं उनको एक एग्जांपल से याद दिला देते हैं कि कैसे होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन. ये इक्वेशन ले लो, ब्रैकेट माइनस थ्री माइनस ब्रैकेट माइनस फोर. तो यारो सबसे पहले हम नंबर्स को यहाँ पे ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे. ब्रैकेट्स का पता है ना कैसे काम करते हैं? बाहर भी प्लस अंदर भी प्लस तो वो बन जाता है प्लस, अगर बाहर प्लस और अंदर माइनस तो वो बन जाएगा माइनस, बाहर माइनस अंदर प्लस तो भी माइनस, और अगर बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस तो वो बन जाएगा प्लस. और हमारे पास यहाँ पर है बाहर भी माइनस और अंदर भी माइनस, तो इधर भी प्लस बन जाएगा और हमारे पास आ जाएगा माइनस थ्री प्लस फोर. तो अब हम सबसे पहले आगे वाले नंबर को लोकेट करेंगे नंबर लाइन पर. ये देखो हमने कर दिया माइनस थ्री को लोकेट. अब साइन चेक करो, इस नंबर के बाद प्लस फोर है, तो अब हम राइट साइड चार बार जंप मारेंगे और देखो हमारा आंसर आ गया वन. भाई यहाँ पर प्लस साइन है तो राइट साइड जंप मारी है, अगर माइनस साइन होता तो लेफ्ट साइड जंप मारते. भाई याद हो तो एक एडिटिव इन्वर्स नाम का प्राणी भी होता है, नंबर के आगे माइनस साइन लगा दो और एडिटिव इन्वर्स आ जाता है. एग्जाम्पल देखो माइनस सेवन, अब माइनस सेवन के आगे माइनस लगा दो वो बन जाएगा प्लस सेवन, तो प्लस सेवन माइनस सेवन का एडिटिव इन्वर्स है. एक और एग्जाम्पल देखो फाइव, अब फाइव के आगे माइनस लगा दो वो बन जाएगा माइनस फाइव, तो यारो माइनस फाइव फाइव का एडिटिव इन्वर्स है. आ गया ना याद? अरे टेंशन लेने का ही नहीं, धीरे धीरे सब याद आ जाएगा. चलो भाई इंटीजर्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को देखते हैं. फर्स्ट है क्लोजर अंडर एडिशन. तो यारो ये प्रॉपर्टी कहती है अगर ए इंटीजर है और बी इंटीजर है तो भाई ए प्लस बी भी इंटीजर होगा. सेकंड प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन. ये बोलती है कि अगर ए इंटीजर है और बी इंटीजर है तो यारो ए माइनस बी भी इंटीजर होगा. थर्ड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ये कहती है ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं. चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं, थ्री प्लस फाइव ये हुआ एट, और अब फाइव प्लस थ्री ये भी हुआ एट. तो हमें यहां से साफ साफ दिख रहा है कि थ्री प्लस फाइव इक्वल्स टू फाइव प्लस थ्री, तो मतलब बिल्कुल सही बात. बस यही कहना था इस प्रॉपर्टी को. नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. भैया जी ये बोलती है कि a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी इक्वल्स टू ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी. चलो इसको भी एक एग्जांपल से वेरीफाई करते हैं, टू प्लस ब्रैकेट में इलेवन प्लस फोर,
तो ये बन जाएगा 2 + 15 यानी 17। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट में 2 + 11 + 4 तो ये बन जाएगा 13 + 4 और ये भी होगा 17। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी इसका मतलब हमारी प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है। देखा, आसान ही है भाई। फिफ्थ एडिटिव आइडेंटिटी, ये कहती है a + 0 = a = 0 + a। बेसिकली किसी भी इंटीजर में जीरो को ऐड कर लो तो वो नंबर सेम ही रहेगा, क्योंकि वो जीरो है भाई। समझ गए ना यार? क्विक रिवीजन तो हो गया, चलो अब क्विक क्विक से एक दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, राइट टू नंबर हुज सम इज फर्स्ट -9, सेकंड 0, थर्ड 5। आ गया आंसर, शाबाश भाइयों। यहां हमसे पूछा गया है कि ऐसे दो नंबर्स बताओ जिनका सम -9 हो। चलो लगाओ दिमाग, -9 कैसे आ सकता है भाई? -12 + 3 कर लो तो -9 आ गया। ऐसे ही -4 - 5 कर लो, इसका भी आंसर -9 आ गया। तो ऐसे ही भाइयों इनफाइनाइट पेयर बन सकते हैं इसके, जिनका सम -9 आए। और हमसे यहां पर सिर्फ एक ही पूछा है, तो कोई भी पेयर उठाकर लिख दो। नेक्स्ट है, हमारा सम 0 होना चाहिए। यारो ये भी बड़ा इजी है, -5 + 5 या फिर -2 + 2 या फिर 1 - 1, 10 - 10। इनफाइनाइट पेयर्स है भाई, इनफाइनाइट, कोई भी लिख दो। थर्ड बोलता है कि हमारा सम 5 होना चाहिए, तो इधर 2 + 3, 1 + 4, -6 + 11, 10 - 5। देखा, ये तो तुम बड़े प्यार से कर लोगे भाई। अब तो तुम्हें सब याद आ गया होगा, है ना? वैसे तुम ठहरे स्मार्ट लौंडे, तुम्हें क्या याद दिलाने की जरूरत थी। लेकिन भाई मेरा एक बहुत ही भुलक्कड़ दोस्त है, कभी कॉपी लाना भूल जाता है, कभी पेन लाना भूल जाता है, कुछ ना कुछ भूलता ही रहता है। एक बार की बात है, हम वॉशरूम गए हुए थे, तभी वो चिल्लाता है आ। मैं उससे पूछता हूं क्या हो गया भाई? तब वो बोला, भाई चड्डी पहनना भूल गया आज, मेरी स्किन जिप में फंस गई। भाई उसके 5 मिनट बाद तक मैं तो हंसता रहा और वो रोता रहा। भाई अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखी है, चलो अब बारी आती है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। इसमें भी कुछ खास नहीं है, ये तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से भी इजी है। यारो तुम्हें पॉजिटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन तो आती ही है, जैसे 5 × 3 = 15 होता है, 4 × 24 = 96 होता है। तो चलो अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। भाई जब हम एक नेगेटिव इंटीजर को एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में माइनस साइन आता है, तो वो माइनस साइन लगाना भूल मत जाना। तो इसकी जनरल इक्वेशन होगी a - b = - a - b = - ab। चलो एक दो एग्जांपल देखते हैं, -5 × 7 = -35। एक और देख लो, 4 × -11 = -44। ठीक है ना भाई लोग, इजी पीजी। चलो अब ये देखो, अगर दोनों नेगेटिव इंटीजर हो तब क्या होगा? तो यारो जब भी दो नेगेटिव इंटीजर को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर में एक पॉजिटिव इंटीजर बन जाता है। इसकी जनरल इक्वेशन है -a / -b = -4
इक्वल्स टू माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय माइनस ए इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाय बी। एग्जाम्पल देखो, माइनस सिक्स इंटू माइनस सेवन इक्वल्स टू 42। ऐसे ही माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाय माइनस 18 होगा 54। तो इधर माइनस के दोनों डंडे मिलकर एक प्लस का साइन बना देते हैं। यारो यहां तो हम दो ही इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन तब क्या करोगे जब बहुत सारे इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे मान लो माइनस वन इंटू टू इंटू माइनस फोर इंटू माइनस फाइव इंटू माइनस ट्वेल्व, तब कैसे पता लगाओगे कि आंसर में माइनस आना चाहिए या प्लस आना चाहिए। यार वो सिंपल है, यहाँ हमें टोटल नेगेटिव साइन काउंट करने हैं। अगर उनकी टोटल काउंटिंग ऑड आए तो आंसर के आगे माइनस साइन आएगा, और अगर टोटल काउंटिंग इवन आए तो आंसर के आगे प्लस साइन आएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम काउंट करें तो टोटल माइनस के साइन है चार, और फोर एक इवन नंबर है, तो इसको सिंपली सॉल्व करेंगे और आंसर के आगे प्लस का साइन लगा देंगे। यानी वन इंटू टू इंटू फोर इंटू फाइव इंटू ट्वेल्व होता है 480, और क्योंकि चार माइनस के साइन है तो हमारा आंसर होगा प्लस 480। चलो यारो अब मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये वही प्रॉपर्टीज है जो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पहले करी थी। फर्स्ट, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये बोलती है अगर ए इंटीजर है और बी इंटीजर है तो ए मल्टीप्लाइड बाय बी भी इंटीजर होगा। एग्जाम्पल देखो, टू मल्टीप्लाइड बाय फाइव इक्वल्स टू टेन, तो यहाँ 2 भी इंटीजर है और 5 भी इंटीजर है, और हमारा आंसर 10 भी इंटीजर है। और सेकंड प्रॉपर्टी जो आपके स्क्रीन पर आती है वो है कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये बोलती है कि a मल्टीप्लाइड बाय b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाइड बाय a। चलो इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। माइनस 3 इंटू 5 होता है माइनस 15, और 5 इंटू माइनस 3 ये भी होता है माइनस 15। यानी हमारी प्रॉपर्टी a इंटू बी इक्वल्स टू b इंटू a बिल्कुल सही है। समझ गए ना? अरे वाह, बड़े स्मार्ट हो गए हो। चलो फिर थर्ड, एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये बोलती है a मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में b मल्टीप्लाइड बाय c इक्वल्स टू ब्रैकेट में a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c। एग्जाम्पल लेते हैं, 4 इंटू ब्रैकेट में 7 इंटू 8 ये हो जाएगा 4 इंटू 56, जो कि होगा 224। अब ब्रैकेट में 4 इंटू 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 ये बन जाएगा 28 इंटू 8, जो कि होता है 224। अरे वाह, मतलब ये प्रॉपर्टी भी हमने वेरीफाई कर ली, बिल्कुल सही है। वैसे वेरीफाई करना भी जरूरी है, क्या पता ये सीबीएसई वाले पागल बना रहे हो, सोच रहे होंगे इन्हें कुछ भी बुक में लिख के दे दो ये तो मान ही जाएंगे। लेकिन हम भी स्मार्ट है भाई, पूरा एक एक चीज वेरीफाई करेंगे पहले। हम दुनिया का बेवकूफ बनाते हैं, खुद बेवकूफ नहीं बनते, है ना। चलो तो फिर अब बारी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। ये कहती है कि a मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में b प्लस c को हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस a मल्टीप्लाइड बाय c, और ऐसे ही a मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में b माइनस c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय b माइनस a मल्टीप्लाइड बाय c, जो कि बिल्कुल सही है। ये भी हम पहले सिक्स्थ में कर चुके हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 13 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 17 प्लस 3 इक्वल्स टू 13 इंटू 20, जो कि होगा 260। अब इसी को हम अगर ऐसे कर ले कि 13 मल्टीप्लाइड बाय 17 प्लस 13 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये भी हमें सेम आंसर देगी 260। अब आते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी पे, मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो।
भाई जीरो की मल्टीप्लिकेशन में बहुत चलती है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। ये जिससे भी मल्टीप्लाई हुआ उसी को जीरो बना देता है। एक जनरल फॉर्म में बोलूं तो ए मल्टीप्लाइड बाय जीरो इक्वल्स टू जीरो। आओ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाय जीरो क्या होता है? जीरो। 7 मल्टीप्लाइड बाय जीरो क्या होता है? जीरो। -3 मल्टीप्लाइड बाय जीरो क्या होता है? जीरो। कोई भी नंबर उठा लो, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा जीरो। वैसे यार तुमने देखा होगा क्लास में एक बच्चा होता है जिसको सभी टेस्ट में जीरो ही मिलता है। इसे दुनिया की कोई चिंता नहीं होती, बिल्कुल चिल रहता है। ये मार्क्स के मोह माया से ऊपर उठ चुका होता है। और जो इस प्राणी के साथ उठना बैठना शुरू कर देता है, जो इसका दोस्त बन जाता है, फिर धीरे धीरे वो भी चिल होने लगता है, वो भी मार्क्स के मोह माया से ऊपर उठने लग जाता है और उसके भी टेस्ट में जीरो आने लगते हैं। इनका मोटो होता है टेस्ट वेस्ट गए भाड़ में, अपुन को तो लाइफ में चिल करना है, अपुन को लाइफ में फन मांगता है। तो यारो मैं तो यही कहूंगा, लाइफ में इन जैसे जीरोस से थोड़ा सा बच के रहो, वरना इनसे मल्टीप्लाई होके कभी तुम भी जीरो ना बन जाओ। बनने चला था हीरो, बन गया मैं जीरो। 6 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये कह रही है भाई इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें सेम ही इंटीजर आंसर में मिलता है, यानी a मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय a इक्वल्स टू a। यारो अब डिवीजन को और देख लेते हैं और इंटीजर का किस्सा खत्म कर डालते हैं। भाई इसमें भी सिंपल वही ट्रिक है, माइनस के साइन काउंट कर लो, अगर काउंटिंग ऑड आए तो आंसर के आगे माइनस साइन लगा देना और अगर काउंटिंग इवन आए तो प्लस साइन लगा देना। जैसे एक एग्जांपल लो, -10 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पे बस एक ही माइनस का साइन है और 1 होता है ऑड, तो हमारा आंसर आ जाएगा -2। तो इसको नॉर्मली सॉल्व कर लो, 10 डिवाइडेड बाय 5 क्या होता है? 2। और अब 2 के आगे माइनस का साइन लगा दो और हमारा आंसर आ जाएगा -2। चलो एक और देखो, -16 डिवाइडेड बाय -4, तो यार यहाँ पर 2 माइनस के साइन है और 2 इवन होता है, तो हमारे आंसर में प्लस का साइन आएगा और हमारा आंसर होगा +4। भाइयों अगर अब हम बात करें डिवीजन की प्रॉपर्टीज की, तो ये किसी भी प्रॉपर्टी को नहीं मानता, ये अपनी मर्जी का मालिक है। डिवीजन करते टाइम कभी इंटीजर भी आ सकता है और कभी नहीं भी आ सकता है। जैसे -8 डिवाइडेड बाय -4 होता है 2, तो ये एक इंटीजर है। लेकिन अगर हम करते हैं 3 डिवाइडेड बाय -6, तो हमारा आंसर आएगा -1/2, -0.5, जो कि एक इंटीजर नहीं होता। तो इधर हमें कभी इंटीजर मिल भी सकता है और कभी हमें इंटीजर नहीं भी मिलता। बेसिकली डिवीजन किसी की नहीं मानता, अपनी मर्जी की करता है। हैशटैग माय लाइफ माय रूल्स। लेकिन भाई ये सिर्फ जीरो के सामने झुकता है, जीरो तो लेजेंड चीज है। अगर हम किसी इंटीजर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो आंसर में इनफाइनाइट आता है, और अगर जीरो को किसी भी इंटीजर से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमेशा जीरो आएगा, ठीक है ना? और वन का तो तुम्हें पता ही है, ये किसी को कुछ नहीं बोलता, बहुत ही चिल और काम बंदा है, जो जैसा है उसको वैसे ही रहने देता है। तो हम किसी भी इंटीजर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा वही इंटीजर आएगा। और लो भाई इसी के साथ अपना फर्स्ट चैप्टर खलास। और आज का मॉरल है, सब भूल जाना बट चड्डी पहनना मत भूलना। चड्डी पहनोगे तो फूल खिलेगा वरना मुरझा जाएगा।
BKP।